नमस्कार, आज हम छोटी हरण के बारे में बात करेंगे जो कब्ज दूर करने में रामबाण का काम करती है। छोटी हरण देखने में काले रंग की बहुत सख्त होती है। इसे दांतों से तोड़कर या चबाकर खाना बहुत कठिन है। इसे कूटना और पीसना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। मैंने पहले भी कब्ज दूर करने के घरेलू उपाय में छोटी हरण के बारे में बताया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि छोटी हरण का उपयोग कैसे करें। छोटी हरण को रात के समय लस्सी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे लस्सी में से निकालकर धूप में सुखा लें। जब ये अच्छी प्रकार से सूख जाए तो इसको लोहे की कढ़ाई या लोहे के तवे पर घी डालकर भून लें। इस प्रकार भूनने से यह फूलकर मोटी हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। जब यह ठंडी हो जाए तो इसको पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को छान लें। छानने के बाद ऊपर जो छोटे दाने बच जाएं उसका भी महीन पाउडर बना लें। इस पाउडर में काला नमक और अजवाइन मिलाकर रख लें। रात के समय गुनगुने पानी या गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग करें। छोटी हरण में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीबायोटिक के गुण पाए जाते हैं। ये कब्ज, पेट दर्द, गैस, पेट के आसपास स्वेलिंग और नाभि के आसपास होने वाले दर्द में आराम दिलाती है। इसका प्रयोग अगर हम हर रोज भी करें तो यह हमें कोई नुकसान नहीं करती। कब्ज बहुत पुरानी है और पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है तो इस पाउडर का प्रयोग सुबह के समय करें। एक गिलास गुनगुना पानी लें। मैं आपको बताती हूँ, एक गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें इतना एक चम्मच ये हरण का पाउडर मिलाएं। ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा गुनगुने पानी में। फिर किसी भी पोजीशन में बैठें। अगर आप इस तरह मल आसन में बैठ पाते हैं तो यह बहुत अच्छा है। मल आसन में बैठने के बाद इस पानी को घूंट घूंट कर पिए। मलासन की पोजीशन बनाएं, अपने दोनों कोहनी से घुटनों के यहां पर दबाव डालते हुए इस तरीके से घुटनों में फासला करें। फिर इनको पास पास कर लें, फिर से फासला करें, फिर इन्हें पास कर लें। बार बार ऐसा करें और धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी पिए। आप इस तरह मलासन में बैठकर जब ये पूरा पानी पी लेते हैं तो आपको कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। जरूरत पड़े तो आप सादा गुनगुना पानी एक दो गिलास पी सकते हैं। अगर आपको बीपी की समस्या नहीं है तो आप इसमें काला नमक भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस तरह मलासन में नहीं बैठ पाते हैं तो योग के अन्य आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। आप त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, इनका अभ्यास कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इनको वहां से देख सकते हैं। इस तरह आप कब्ज की समस्या से निजात पा लेंगे। लेकिन अगर कब्ज बहुत पुरानी है तो आप एक बार फिर आधा गिलास पानी में आधा चम्मच हरण के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद फिर एक दो गिलास गुनगुना पानी पिए, थोड़ा टहलें या योग का अभ्यास करें। आप देखेंगे कोलन क्लीन करने में हरण का ये पाउडर रामबाण का काम करता है। आपको ध्यान ये रखना है, जिस दिन आप हरण पाउडर का पानी पिएंगे उस दिन आपको दाल चावल की बनी हुई खिचड़ी का प्रयोग करना है
और इसमें देसी घी का प्रयोग करना है। इस खिचड़ी को दूध या दही के साथ नहीं खाना है। इस दिन आपको दूध दही का परहेज करना है। अगले दिन से आप नॉर्मल भोजन ले सकते हैं। दोपहर के समय भी खिचड़ी खाएं। रात के समय अगर आप चाहें तो दाल खा सकते हैं। इस तरह छोटी हरड़ का पाउडर मिलाकर प्रयोग करना आपको कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करेगा। इसका प्रयोग करके देखें। धन्यवाद।